नमस्कार, मैं हूं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चुनावी माहौल है और हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही है। अब फिलहाल हमारे साथ इसी राजनीतिक चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसान सेल के प्रदेश सचिव हैं भूपेंद्र राठौड़। भूपेंद्र राठौड़ के बारे में और ज़्यादा विस्तार से बता दें तो ये पूर्व विधायक ठाकुर बहादुर सिंह के सुपुत्र हैं और ठाकुर बहादुर सिंह यहाँ दड़बा हलका जो पुराने समय में था वहाँ से वो विधायक रह चुके हैं। और जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारा साथ दिया हमेशा और देते रहेंगे। यह मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिताजी को जैसे यहाँ से विधायक बना करके भेजा था विधानसभा में, तो उसका आभार अभी तक हम चुका नहीं पाए हैं। और मेरी इच्छा है कि पिताजी के बाद अब मुझे अगर सरकार ये जो हमारी पार्टी मौका देगी तो मैं ज़रूर इस विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ूंगा आने वाले समय में। और यहाँ से भगवान करा कभी तो मेरी जीत होगी तो मैं सेवा ज़रूर करूंगा जनता की, यही मेरे दिली इच्छा है। आज चुनाव का माहौल चल रहा है, 4 दिन रह गए चुनाव प्रचार में। कांग्रेस पार्टी के यहाँ से जो अशोक तंवर यहाँ से एमपी भी रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उसके बाद आज यहाँ पे जो विशेष तौर पर हम बात करें सिरसा ज़िला के 5 विधानसभा सीटों की, तो क्या कितना असर मानते हो उनके यहाँ से चले जाने के बाद? बहुत ज़्यादा असर नहीं मान रहा मैं कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी थे वो पार्टी की सेवा करते रहे, लेकिन जो पुराने कांग्रेसी थे उनके दिल में थोड़ी सी वो कमी थी और वो उनकी कदर कम हो रही थी पार्टी में। और आज उनके जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी यहाँ पे हमारे यहाँ अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका मैं यहाँ अध्यक्ष बनने पे आभार व्यक्त करता हूँ, पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि हमारे ये जो परिणाम आएंगे आने वाले इलेक्शन में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले हमें और आगे हमारी पार्टी मजबूत होती जाए। अभी आपने बताया कि वो पुराने कार्यकर्ताओं के साथ इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं रख पाए थे और उसकी वजह से वो अब चलो पार्टी में नहीं, तो क्या आपको लगता है कि उनके चले जाने के बाद अब जो कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी थी वो ख़त्म हो गई है? गुटबाजी भी ख़त्म कम हुई है, गुटबाजी तो है मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी नहीं है अब। पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी पहले से ज़्यादा। अभी कुछ दिन पहले चुनावी प्रचार को लेकर यहाँ पर कुमारी शैलजा जो प्रदेशाध्यक्ष है वो यहाँ अपने सिरसा ज़िला में आए थे और सिरसा ज़िला के 5 विधानसभा सीटों में से 4 पे वो प्रचार के लिए उनके क्षेत्र में गए थे, लेकिन एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो नहीं गए थे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई गुटबाजी की वजह से ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैडम बिजी होने के कारण दिल्ली में मीटिंगें पार्टी की बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वहाँ उनको हर वक्त रहना मौजूद रहना ज़रूरी है, इस वजह से मैडम को समय कम मिला। और अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैडम शैलजा जी और हुड्डा साहब हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन दोनों का प्रोग्राम एलनाबाद क्षेत्र में है और जल्दी ही वो प्रोग्राम 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा और वो यहाँ पहुँचेंगे प्रचार के लिए। यहाँ की अगर सीट की बात करें सिरसा विधानसभा की, तो क्या पोजीशन मानते हो आज जो मुख्य तौर पर जो आम चर्चा है उसमें कांग्रेस का काफ़ी ग्राफ जो है वो डाउन माना जा रहा है, क्या मानते हो आप? ग्राफ ज़रूर माना जा रहा है, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो बहुत ही अच्छा नेक दिल इंसान है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो काफ़ी वोटों से जीत पाएगा यहाँ से इलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे मतलब सिर्फ एक पार्टी की वो वोट भी उनको मिलेंगे और बाकी जो आम जनता है उनसे बहुत प्रेम है
और उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा हमारी पार्टी को आने वाले समय में। और अब भी इतना ज़्यादा जो लोग प्यार दे रहे हैं, गांव में हम जा रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो उस वजह से हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारा कैंडिडेट कहीं किसी से पीछे नहीं रहने वाले। तो ये हैं ठाकुर बहादुर सिंह के पुत्र उपेंद्र सिंह राठौड़, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर के चले जाने के बाद कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, विशेष तौर पर सिरसा जिला की 500 विधानसभा सीटों पर। अब ये तो समय बताएगा कि उनके चले जाने के बाद क्या माहौल बनता है यहाँ पे, चुनाव में किस तरह का चमत्कारी प्रदर्शन होता है, या जो पिछली बार की तरह जो रिस्पॉन्स यहाँ रहा था वैसा रहता है। कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। अच्छा, बैठ जाओ।